सलाम अलैकुम। टॉपिक है हमारा लफ्ज़ों से खुशबू आए। इंसान वही अच्छा होता है जो दूर को दूसरे जो खुद दूर बर्दाश्त करे और दूसरों को खुशियाँ दे। सच्ची मोहब्बत नायाब शे है, लेकिन सच इसका भी नायाब है। ख्वाह कुछ भी हो, मुसीबत के दिन गुजर ही जाते हैं। जो शख्स अल्लाह के कामों में लग जाए, अल्लाह अज़्ज़वजल इसके कामों में आसानियाँ पैदा कर देता है। सफ़ेद कपड़े तो हर कोई पहन लेता है, मगर इन्हें बेदाग रखना कोई कोई ही जानता है। मुश्किलात दूर करने और ख्वाहिशात बर्दाश्त करने से इंसान का किरदार मजबूत होता है। इंसान पर आसमान पर निगाह ज़रूर रखो, मगर ये मत भूलो कि तुम ज़मीन पर खड़े हो। नरम अल्फाज की लागत मामूली, मगर खदरों कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अजीम और मामूली आदमी में फ़र्क सिर्फ अज़म और इरादे का होता है। इस दोस्त को दोस्त मत समझो जो मजलिस में तुम्हारी पगड़ी उछाले, ख्वाह मजाकन ही क्यों ना हो। किसी से नफरत या मोहब्बत करने के लिए पहले इसके वजूद को मानना ज़रूरी है। कोई ऐसा दरवाज़ा मत खोलो जिसे तुम बाप में बंद ना कर सको। मौके निकल जाते हैं, मगर ख़त्म नहीं होते। नई बुनियादें वो लोग भर सकते हैं जो इस राह से वाकिफ़ होंगे। पुरानी बुनियादें क्यों बैठ गई? अस्तराब बेसबब नहीं होता, बल्कि यह भूला हुआ सबक थोड़ी हुई मंजिल नज़रअंदाज किए हुए फ़राइज़ याद दिलाता है। आदमी की 10 उंगलियाँ उसकी बेहतरीन है। मुझे बारिश में चलना बहुत पसंद है, ताकि कोई मेरे आंसू ना देख सके। माँ बाप का एहतराम करना आधे हज का सवाब है, फिर भी हम अपने वालदैन का एहतराम नहीं करते। इंसान कायनात का शाहकार है, मगर कायनात में सबसे ज़्यादा दुखी है। खूबसूरती मिट जाती है और सीरत खबर तक साथ जाती है। जिस इंसान के दिल में रोशनी ना हो, वो चिरागों की महफिल से क्या हासिल करेगा। ज़िंदगी तपते सहरा की मानन है, जहाँ पाँव को रेत की तपिश से बचा बचा के चलना पड़ता है। हर मुश्किल इंसान की हिम्मत का इम्तिहान लेती है। तुम बाईस अरूज भी है और बाईस जवाल भी।